सरकार द्वारा स्कूलों में बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना चलाई जाती है, लेकिन अक्सर मध्याह्न भोजन के चावल की चोरी की घटनाएं भी सुनने को मिलती रहती है। आज भी एक ऐसा ही मामला उस समय प्रकाश में आया जब कटिहार के कदवा प्रखंड की भोगांव पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय कांता मुरादपुर का एक शिक्षक मिथिलेश कुमार चावल की दो बोरियों के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षक मिथिलेश कुमार पिछले कई महीनों से इसी प्रकार चावल चोरी कर बेच रहा था। हम लोग काफी दिनों से इंतजार में थे कि कब वह चावल बेचे और हम लोग कब उसे रंगे हाथों पकड़े। आज हमें सफलता मिल गई है। ग्रामीणों ने शिक्षक को रंगे हाथों पकड़ के कदवा पुलिस के साथ साथ मध्याह्न भोजन प्रभारी राजेश कुमार पोद्दार को भी सूचना दी। सूचना मिलते ही दोनों पदाधिकारी मौके पर पहुंच गए और आगे की कार्रवाई में जुट गए। घटना को लेकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उपेंद्र प्रसाद का भी कहना है कि मध्याह्न भोजन के चावल चोरी करने वाले शिक्षक के विरुद्ध जांच के बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, केबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। बता दें, कदवा प्रखंड के भोगांव पंचायत में आज शिक्षक द्वारा चावल चोरी कर विद्यालय के चावल चोरी कर बेचने का प्रयास किया जा रहा था। कदवा प्रखंड के भोगांव पंचायत में यह विद्यालय अवस्थित है जिसका नाम है कंता मुरादपुर विद्यालय, लेकिन अब तक जो है विद्यालय के प्रधान शिक्षक पर कार्रवाई नहीं हुई है। दो बोरे चावल की चोरी का प्रयास किया गया था जो ग्रामीणों ने देखा। ग्रामीणों का कहना है कि इस प्रकार की घटना आए दिन होती है और शिक्षक द्वारा चावल चोरी का घटना जो है वो आए दिन का प्रयास किया जाता है। मैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कदवा, नाम मेरा उपेंद्र प्रसाद हुआ, और अभी जो जाँच किया गया है, जाँच के क्रम में पाया गया है कि दो बोरा चावल बेचते हुए पकड़ा गया। अभी मैं थाना में जाकर उस पर FIR करते हुए शाम तक उसको निलंबित कर दूँगा। हमको 12:52 में दूरभाष पर ग्रामीण द्वारा सूचना प्राप्त हुआ। जैसे सूचना प्राप्त हुआ, हम तुरंत 10 से 15 मिनट में विद्यालय पहुंचा और विद्यालय पहुंचकर स्थल का जांच किया तो जांचों उपरांत सभी में शिकायत सत्य पाया, जिसका जांच प्रतिवेदन बना करके उच्च अधिकारी को हमने प्रसिद्ध करने जा रहे हैं कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मैं राजेश कुमार पोद्दार, प्रखंड साधन से भी जो इन्होंने बयान दिया है, इसमें कोई भय या दबाव कोई नहीं, 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 इसमें किसी भी कोई तरह का भय या दबाव नहीं है। इसमें अच्छा से बोल रहे हैं, इसमें कोई प्रकार का इस पर दबाव। आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग है कि इस पर बढ़िया कार्रवाई होना चाहिए, जो इसमें मिली भगत किया है उसको सख्त सख्त कार्रवाई किया जाएगा। स्थानीय प्रबुद्ध मुखिया वरीय हम लोगों के नेता जी हैं, सर ये मामला क्या है, थोड़ी जानकारी देंगे? मामला तो सबके सामने है जी सर, आप लोग देख रहे हैं मामला। हम बोले कि हम सचिव साहब को फोन कर रहे हैं, वो बोला कोई सांसद कोई विधायक काम नहीं करेगा, तुमको जो उखाड़ना है तुम उखाड़ दो। सीधा बात मिथिलेश मास्टर और निर्मल मास्टर बोलता है, तुमको जो उखाड़ना है तुम लोगों को कोई काम नहीं देगा। जो करना है कर लो। ठीक है, नाम है आपका? रमेश भगत। कौन बुलाया था आपको? खाना बनाने में दिए है मिथिलेश सर, हमको दिए चावल बेचे हैं। कितना रुपया में बेचे हैं? कितना रुपया का चावल हुआ? चावल दो बोरा दिए। कितना रुपया का हुआ दो बोरा चावल? दो बोरा चावल का तो हुआ 5,000। 5,000 का? 5,000 का चावल रेट किया 2,500। इससे पहले भी खरीदे हैं? नहीं, पहली बार था जी, पहली बार है। क्या नाम हुआ कि आपका? रमेश भगत। घर? बहुत दिन से बेच रहा हूँ। देखना है इस खबर के प्रकाशन के बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है। तब तक के लिए देखते रहिए केबीसी न्यूज। मैं राजीव रंजन, धन्यवाद।